माय डियर कैंडिडेट, सैटरडे का जॉब हंट ड्राइव जो 337th जॉब हंट ड्राइव का ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जॉब हंट ड्राइव की रूपरेखा कंसेप्ट भी चेंज हुआ है, जिसमें कंपनीज की गैदरिंग भी अब बड़ी है। और आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो, अगर आप देख रहे हो तो सब चीज़ें आपको नॉलेज भी पहुंच रही होगी, कैसे कैसे कौन कौन से सिलेक्शंस हुए हैं। माय डियर कैंडिडेट, आज कम से कम 5 से 8 जगह पे 30 लाख के ऊपर की कम से कम 12 से 13 लोगों का प्रोफाइल के लिए हम लोगों ने बातें करी और वो फाइनलाइज होने की कगार पे भी आया। माय डियर कैंडिडेट, ये मिशन जो चालू हुआ, ये जो प्रोसेस चालू हुआ, ये केवल एक उद्देश्य को लेके चालू हुआ था कि लोगों को जॉब दिलानी है, बट लोगों को राइट जॉब दिलानी है, राइट प्रोफाइल को दिलानी है। और ये जो कंसल्टेंसीज का लोगों के दिमाग में गलत कंसेप्ट घुसा हुआ है, उसको कम से कम हम लोगों ने 80% बदला है, गाइडेंस से, सपोर्ट से, काउंसलिंग से, सही इन्फॉर्मेशन से, जितने रिसोर्स हम लोगों के पास में हैं। माय डियर कैंडिडेट, किसी भी चीज़ को आज आप रीडिज़ाइन करके, बढ़िया सी पैकेजिंग करके, किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं किसी के पास। कोशिश हम लोगों ने ये करी है कि बहुत ज़्यादा जितनी भी बातें आपसे बताई जाती हैं उनमें ऊपर पैकेजिंग जो अंदर है वही बाहर पैकेजिंग हो, जिन कंपनीज़ की हम आपसे बात कर रहे हों वहाँ पे आपके लिए एफर्ट्स कर सकें, आपको पुश कर सकें, बड़ी बड़ी बातें जो बोली जाती हैं उनका इसमें इंसर्शन कम हो। माय डियर कैंडिडेट, कंपनीज़ की लिस्ट भी आज है बहुत अच्छी, और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि सर इस कंपनी में आपके यहाँ जॉब है क्या, बाहर से लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी की लिस्ट बढ़ी है, अगर मैं अपने पहले 30 जॉब हंट ड्राइव की बात करूँ तो जो कंपनी की लिस्ट बढ़ी है इसमें कहीं ना कहीं हमारे कैंडिडेट्स का बहुत बड़ा योगदान है। कैंडिडेट पूछते हैं सर आपके पास इस कंपनी में जॉब है कि नहीं है, तो जब उन्होंने कहा तो हम लोग उस कंपनी में पहुँचे। जब अभी किसी ने कहा कि सर मेरा ये प्रोफाइल है, ये पैकेज है, तो मुझे दिखाई दिया इस कंपनी में पैकेज नहीं, तो ढूंढना स्टार्ट किया गया कि किस कंपनी में ये प्रोफाइल मिल सकता है। कोई बंदा लखनऊ का है, उसको लखनऊ की जॉब उसकी फैमिली कंडीशन के लिए चाहिए, तो अभी हम लोग उस बंदे को ध्यान में रख करके लखनऊ में उसके लिए मेहनत अलग से कर रहे हैं कि उसके लिए कैसे उसको लग जाए, क्योंकि उसके पेरेंट्स वहाँ पर हैं, वो छोड़ नहीं सकता है। तो माय डियर कैंडिडेट, ये सारे एफर्ट्स कैंडिडेट की ज़रूरत के हिसाब से, उसके प्रस्पेक्टिव के हिसाब से करने की कोशिश की जाती है, पर जो सिस्टम है उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। कैंडिडेट आएगा, उसका एक आईडी बनेगा, वो अगर प्रोफाइल बेस कोई चीज़ लेना चाहता है तो वो उस पर जाएगा, बट ये गारंटी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हारी जॉब हम लगवा ही देंगे। मैंने देखा कई लोग कभी सारे रेफरेंस से भी नंबर शेयर कर देते हैं, अच्छी बात है नंबर शेयर करते हैं, बट रेफरेंस से जॉब नहीं लगनी है। कोई बहुत अच्छा आप मेरा रेफरेंस ले भी आएंगे और मैं किसी कंपनी में फ़ोन कर दूं तो कैंडिडेट्स को हायर नहीं कर लेंगे। आपकी प्रोफाइल बेस्ड जॉब जब लगती है तो जो खुशी मिलती है वो अलग खुशी मिलती है। और माय डियर कैंडिडेट, अगर किसी कैंडिडेट को हमें 40 लाख के पैकेज में लाना है, 30 लाख के पैकेज में लाना है, या उसकी जॉब छूट गई, तो हम लोग प्रयास इतने जेन्युइन, इतने सही करेंगे, पूरी कोशिश कर देंगे कि उसके उस पैकेज में लाएँ, क्योंकि उसकी फैमिली का मतलब है, उस फैमिली में जितने लोग हैं उसकी उनकी अर्निंग पे डिपेंडेंसी है, तो हम लोग कसर कोई नहीं छोड़ते हैं। अब कभी कभी कैंडिडेट्स अपनी ज़रूरतों में इतना पॉसेसिव हो जाते हैं, मैंने देखा है हमारे यहाँ से कैंडिडेट कई ऐसे ज़रूरत में हो जाते हैं, उस ज़रूरत में करके उसी ज़रूरत को पूरा करते रहते हैं और अपनी बेसिक रिस्पांसिबिलिटी जो संस्थाओं के लिए है उसको सेकंड नंबर दे देते हैं। मैं इन सब के लिए आपको बोलता हूँ, वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वैल्यूज़ अगर एकदम जाती हैं तो आपका नुकसान निश्चित रूप से होता है। माय डियर कैंडिडेट, मैं इसलिए आप सबको एक बात एडवाइस करता हूँ कि कुछ बेसिक बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, उन बेसिक बातों को अगर ध्यान नहीं रख रहे हैं और अपनी चीज़ों में केवल लगे हैं तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आज जितनी कंपनीज़ के बारे में मैं बात करूँगा, वो सारी कंपनीज़ कहीं ना कहीं कैंडिडेट की चॉइसेस होती हैं, तो हम लोगों को लगता है उनकी चॉइसेस हम क्यों ना पूरी करें, उनके पैकेजेस क्यों नहीं पूरी करें, उनकी प्रोफाइल्स क्यों नहीं पूरी करें, लेकिन ये ज़रूरी है वो कैंडिडेट भी रेगुलरली टच में हो और वो खुद भी आगे बढ़ करके काम कर रहा हो। कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं कि जॉब हंट ड्राइव में एक प्लेटफॉर्म मिलता है और उससे उनकी ज्वाइनिंग्स आती हैं,
कई ऐसे लोग दो तीन बार में ही आए और उनको जॉब नहीं लगी, तो वो निगेटिव भी क्रिटिसिज्म में पीछे रहते नहीं हैं, गलत लिख देंगे, खराब कह देंगे, बोल भी देंगे खराब, ये सब में पीछे भी नहीं रहेंगे और हम लोग उसमें आगे भी बढ़ते हैं। क्या आप 100 लोगों को 100% डिलीवर नहीं कर सकते, आज 100 लोगों के लिए आप मनसा अच्छी रख सकते हैं कि हाँ उनके लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं इस बात के लिए आपसे कहूँगा कि रेफरेंस से ज़्यादा प्रोफाइल पर ध्यान दीजिए। और 337 जॉब हंट ड्राइव जो हम बनाने, जिसमें कंपनीज की लिस्ट जो हम लोग बात करते हैं, किसी ने अभी मुझसे कहा कि सर आप क्या अडानी ग्रुप है कि नहीं है, कहीं बाहर से फ़ोन बच्चे का आया था, तो मुझे ये तो पता था कि अडानी का यहाँ पे चल रहा है घाटमपुर में डिफेंस कॉरिडोर के पास में, पर मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि मेट्रो इन लोगों में थर्ड पार्टी या ऑन रोल जॉब कम रहती हैं, तो मेरा इंटरेस्ट कम जागता है प्रोजेक्ट, या क्योंकि वो जब तक प्रोजेक्ट है तब तक तो अच्छा है, फिर वहीं पर आ गए थोड़े दिन तो खर्चे चले, फिर वो प्रोजेक्ट की नौकरी दूसरी जगह काम करने में दिक्कत होती है, सभी प्रोफाइल्स नहीं होती हैं। आज बात हो पाई हेड ऑफिस में तो आज चलो अच्छा है। उस कैंडिडेट का बहुत धन्यवाद जिसने फ़ोन से मुझसे पूछा था, मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन गई। फिर एक अभी कैंडिडेट मिल के भी आया जो यहीं पर काम कर रहा था, उसने भी मुझे कुछ बेसिक चीज़ें बताईं, तो लेकिन मैंने आज हेड ऑफिस में बात करी, बहुत अच्छा रिप्लाई भी आया। फिलहाल भी बड़ी प्रोफाइल आई हैं, मुझे उम्मीद है अडानी में जो छोटी छोटी प्रोफाइल है यहाँ पर वो भी आएंगी, जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 1-2 साल के हैं, 4 साल के हैं, 3 साल के एक्सपीरियंस हैं, फ्रेशर हैं, उनको भी यहाँ पे लाया जा सकता होगा। लेकिन चेक ये करना जरूर पड़ेगा कि वो जो आएंगे वो ऑन रोल आएंगे कि थर्ड पार्टी में आएंगे, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इन सब चीज़ों में बता सकूँ। हाँ, जिस प्रोफाइल के लिए बात कर रहा हूँ वो ऑन रोल ज़रूर आएंगे, ये बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है, आज जो पहली जॉब प्रोफाइल है जिसमें मुंबई, नागपुर, पुणे में प्लांट क्वालिटी हेड 25 लाख से 40 लाख का पैकेज है, जो भी इसमें हैं वो इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बहुत बड़ी प्रोफाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, सुपर अर्जेंट है, जो इसमें कैंडिडेट आ जाएंगे उनकी इमीडिएट ज्वाइनिंग हो जाएगी। 10 लाख से 12 लाख का है, आपकी ड्रीम कंपनी है, कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड का पैकेज है, QMS मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन फूड इंडस्ट्रीज में 10 लाख से 12 लाख का पैकेज है। तो माय डियर कैंडिडेट, अब इसमें जो इन्होंने बात कही है QMS में, कानपुर प्लास्टिक में QMS के, तो कई सारे कैंडिडेट हैं जो इन्होंने मेंशन किया है, वो ये है कि वो जो अमूल या डेयरी के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो उनका जो बैग बनता है, मैंने उनसे पूछा था क्वेश्चन में कि ये जो बैग बनता है उसमें आपको फूड के क्यों चाहिए, तो सर फूड इंडस्ट्री के जो पैरामीटर में जिन्होंने काम किया हो QMS में वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि जो देखिए क्वालिटी में पैरामीटर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग अलग जिस तरह का पैरामीटर है, जिस तरीके का पैरामीटर मांगा जा रहा है, वो अगर आप सेटिस्फाई कर दे रहे हो तो क्वालिटी में आप सही कैंडिडेट हैं। तो 10 लाख से 12 लाख का पैकेज है, बट इन्होंने फूड इंडस्ट्री के क्वालिटी वाले बंदे को कहा है, जितनी अभी आज बात हुई है उससे, तो वो जो QMS, क्योंकि जो लोग QMS कहेंगे तो इंजीनियरिंग या लेदर वाले कैंडिडेट्स उस तरह के क्वालिटी वाले बोलने लगते हैं, तो बट ये फूड इंडस्ट्री के जो क्वालिटी पैरामीटर हैं वो अलग हैं। इसलिए स्पेशली मैं इस बात के लिए कर रहा हूँ, और बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रिजेंसी हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट 15 लाख से 30 लाख का पैकेज है। अब मेडिकल सुपरिटेंडेंट का मतलब समझ लीजिए, कतई अगर आप हॉस्पिटल बैकग्राउंड से अच्छी जगह से नहीं हैं तो आप अप्लाई कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, बस वो ठंडे बस्ते में चले जाएगी और रिजेक्शन बॉक्स में पड़ी रहेगी। कड़क फैमिली में रीजनल सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर 5 लाख to 10 लाख का पैकेज है। कड़क फैमिली में है, मोनी चाय में सब अलग अलग ग्रुप उनके जो ब्रदर्स हुए हैं उनमें सब में अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कई लोग मोनी चाय में जाते हैं और ये बोलते भी हैं कि मार्केट में फीडबैक अच्छी है, किसी की अच्छी नहीं है, पर अभी यहाँ से जो काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से वो तो कर ही रहे हैं, फीडबैक का तो मुझे नहीं पता। तो नॉर्मली फीडबैक और आपकी ज्वाइनिंग्स, आपके जो वो चीज़ें अलग रहती हैं। अंबर एंटरप्राइज में पंजाब राजपुरा में, इसी में बात हुई आज, 30 लाख से 40 लाख का पैकेज है। जिन्होंने अगर मेटल सीट्स में काम किया हो तो वो इसमें प्लांट हेड की प्रोफाइल में बहुत अच्छी तरह से आ सकते हैं। जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि वैल्यू प्लस में MBA की रिक्वायरमेंट है, जितने भी आप में MBA हों, वैल्यू प्लस में नए कैंडिडेट हों, फ्रेशर हों, वैल्यू प्लस ज्वाइन करना चाहते हों, तो इमीडिएट आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। प्लांट हेड में 30 लाख से 40 लाख का है। मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का है, बाहर का है तो ज़्यादा अच्छा है, इंजेक्टोप्लास्ट में। बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फॉर मेंटेनेंस के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फॉर मेंटेनेंस इंजीनियर 2.5 लाख से 6 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। परचेज हेड बीटेक मैकेनिकल नॉलेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वेंडर सर्चिंग, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्टिंग इनको निकालना आता हो, 15 लाख से 20 लाख का पैकेज है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हेड भी इनको चाहिए जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इट्स डिज़ाइनिंग में काम कर पाए। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर ध्यान रखिए, क्वालिटी इंजीनियर बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल हैविंग नॉलेज ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रेजिडेंट डॉक्टर MBBS के लिए 12 लाख से 20 लाख में राजस्थान लिखकर में चाहिए। स्टोर के लिए इनको बंदा एक चाहिए। लोहिया कॉर्प में सीनियर मैनेजर AGM सॉफ्ट फ्लोर 15 लाख का पैकेज है। लोहिया कॉर्प में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट 5 लाख से 8 लाख का पैकेज चाहिए। गुरु अमरदास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में इनको प्लांट हेड ऑपरेशन 25 लाख से 35 लाख चाहिए। अब देखिए ये कंपनी जो 25 लाख से 35 हम लोग आपको क्यों बता रहे हैं, हम वहाँ मेहनत नहीं करेंगे जहाँ से पानी निकालना नहीं होगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसी पैकेज की रेंज में ऑलरेडी होंगे, उनके लिए भी कंपनीज आपके साथ शेयर करते हैं कि कोई और भी हो तो कर सकता है। कुछ कैंडिडेट तो हम लोग डायरेक्टली भेज कर ही रहे हैं। सनसेयर एनर्जी में लखनऊ कानपुर में प्रोजेक्ट मैनेजर 5 लाख से 8 लाख है। अब लखनऊ में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको वहीं पर ज्वाइनिंग दिलानी है, उनके लिए कई कंपनीज में बात की जाती है तो एक दो और आ जाती है तो वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जगमनी माइक्रोनेट में जो इसी इंडस्ट्री के हों, सेम नेटवेयर के हों, प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख से 7 लाख है। रुद्रा रियल इस्टेट में क्वांटिटी सर्वेयर बिलिंग सिविल 2.5 लाख से 3.5 लाख का पैकेज है। सत्या हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर 2 लाख से 6 लाख का रिक्वायरमेंट है। सलासार सर्विसेज इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स में जो रिक्वायरमेंट कानपुर में फीमेल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 4 लाख से 6 लाख है। कैप्टन स्टील में डिपोट इंचार्ज 4 लाख से 6 लाख का है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग में कानपुर में सीनियर मैनेजर प्लानिंग 14 लाख से 20 लाख का है। अब सीनियर मैनेजर प्लानिंग में 14 लाख से 20 लाख है HG इंफ्रा में। एंजल वन में भी आज बात हुई है, MIS एक्सिक्यूटिव, ये लखनऊ के लिए बात की गई, जो हमारे लखनऊ के कैंडिडेट MIS के हैं उनके लिए निकाला गया है, 3 लाख से 5 लाख का है। आज बात हुई है उनसे, सीधे उनके हेड से ही बात हुई है पिछले, हाँ ये अरंदम, सॉरी ये क्या है सर, एडम डेटा सर्विसेज में लॉजिस्टिक बिलिंग स्पेशलिस्ट के लिए भी आज बात हुई है। JSR इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस इंजीनियर 3 लाख से 5 लाख चाहिए। JSR इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन इंजीनियर स्टार्च एंड ग्लूकोज प्लांट के लिए 5 लाख से 8 लाख चाहिए। वैल्यू प्लस में MBA फ्रेशर उनको कैंडिडेट चाहिए। फ्रेशर MBA कितने सारे कैंडिडेट हैं जो इमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं। नेरोलैक पेंट में सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर चाहिए। गणपति टेक्सो में बैक ऑफिस पर्सन विद गुड कमांड इन इंग्लिश के लिए चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट HDFC बैंक में चाहिए। अभी देखिए एक प्रोफाइल हम लोगों ने एक मैं बहुत दिनों से बोल रहा था, कौन सा था, ब्लू बेल ना, हाँ ब्लू बेल में देखिए हम लोग आपको शेयर कर रहे थे, लगा फ्रांस कंपनी का है, उसमें कुछ प्रोफाइल भेजे गए थे, आज ही हम फाइनलाइज हो गए और वो कल उनमें इंटरव्यूज हो रहे हैं। HDFC बैंक में भी जो 4 एरिया में मैंने बताया था, कानपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इक्यू प्लस एक्सपोर्ट में फ्रेशर MBA फिनांस विद एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। बिनार इंडस्ट्रीज़ में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, PC एंड ऑफिस कोऑर्डिनेटर, MD कोऑर्डिनेटर एंड असिस्टेंट, CRM कोऑर्डिनेटर चाहिए। सनशाइन बैटरीज में इनको फीमेल की रिक्वायरमेंट है, दादानगर में जो ऑफिस में वर्क कर सकते हैं। किस इंडिया में CNC ऑपरेटर, VMC ऑपरेटर, ड्राइंग इंजीनियर चाहिए। मुरली टी में इनके पास दो प्रोफाइल है, मुरली टी में एक तो अकाउंट का जो बंदा है जिसको GST का नॉलेज हो, जूनियर अकाउंट हो, वो इमीडिएट ज्वाइन कर सकता है कानपुर देहात में। रुचि ऑर्गेनिक्स में मेच्योर फ्रंट ऑफिस एक्सिक्यूटिव की प्रोफाइल है। कपिला ग्रुप में HR कूटर हैविंग ए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, जूनियर अकाउंटेंट दो चाहिए। ब्रांड मैनेजर असिस्टेंट, ये बहुत कम प्रोफाइल्स आती हैं, ब्रांड मैनेजर असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर 4 लाख से 15 लाख के बीच में जगमनी माइक्रोनेट में है। विक्रांत ग्रुप में सेल्स मैनेजर लाइजनिंग ऑफिसर फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट सेल्स के लिए जो कैंडिडेट हैं वो जा सकते हैं। रुचि ऑर्गेनिक्स में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेंटेनेंस सुपरवाइजर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रोटोमेक पंप में
जो रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, सीएनसी ऑपरेटर, वीएमसी ऑपरेटर, लेथ मशीन ऑपरेटर, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मिलिंग मशीन ऑपरेटर, स्किल्ड पेंटर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अमर फार्मा में रिसेप्शनिस्ट कम ऑफिस एक्जीक्यूटिव हैविंग अ नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस चाहिए। भारतीय एग्रो में सीआरएम इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, जो कॉलिंग प्रोफाइल में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से काम बात कर लें, हिंदी में अच्छे ढंग से बात कर लें, इंग्लिश बहुत नहीं आती है, इमीडिएट कल ज्वाइनिंग हो जाएगी जो लोग चाहते हों। 15 से 25 के बीच का पैकेज है। कैरन इंटरनेशनल में फीमेल ऑपरेशन मैनेजर एग्जिम डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 4 लाख से 6 लाख का पैकेज है। शंकर मेटल में प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में गारमेंट क्वालिटी मैनेजर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कटारिया ग्रुप में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस चाहिए। कटारिया ग्रुप में सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए। अकाउंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मैकेनिकल फील्ड ऑफिस एक्सक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। पार्को क्लिनिक में पार्ट टाइम मेल फ्रंट ऑफिस एक्सक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। के प्लास्ट में गुड सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन हाउस होल्ड डिवीजन के लिए चाहिए। वीके पैकवेल में टाइम ऑफिस कम एडमिन सुपरवाइजर चाहिए। बंसल पम्प में ITI डिप्लोमा मैकेनिकल फिटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में डिप्लोमा मैकेनिकल का कैंडिडेट रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्री में CSE एंटर 4 लाख से 6 लाख, मार्केटिंग एक्सक्यूटिव 35K तक का पैकेज जा सकता है। HR एक्सक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है सुप्रीम इंडस्ट्री में, जो पेरोल वगैरह भी जानते हों। MP बिरला में जूनियर अकाउंटेंट मार्केटिंग के कैंडिडेट चाहिए। ITI डिप्लोमा होल्डर RV सलूब में 12 पास आउट जो टेक्निकल में जाना चाहते हैं वो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। दुर्गा मैकेनिकल प्रोडक्शन में क्वालिटी पंप में, दुर्गा मैन्युफैक्चरिंग में ITI फिटर, ये सब फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है। प्राइम प्रोसीजर में सीनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट हैविंग अ नॉलेज ऑफ GST चाहिए। अशोक लीलैंड में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद CRM जूनियर अकाउंटेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। होंडा में सर्विस मैनेजर CRM सेल्स एग्जीक्यूटिव बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। टेक प्रो में फ्रंट ऑफिस कम रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट है। माय डियर कैंडिडेट, सबका कॉम्बिनेशन इसमें सारी प्रोफाइल्स का आपको बताया गया है। सैटरडे का जॉब हंट ड्राइव, फ्राइडे को कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सैटरडे के जॉब हंट ड्राइव में सारी कंपनियां एक ही दिन एक ही समय नहीं आ जाती ऑफिस में। 90% कंपनीज में हम लोगों को अब प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट तुरंत होती है, भेजते हैं। कुछ इंटरव्यूज़ यहाँ होते हैं, कुछ में टेलीफोनिक होते हैं, कुछ में भेजा जाता है। जिस तरह के कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग और कैंडिडेट के प्रोफाइल को देख करके सैटरडे के जॉब हंट ड्राइव में उसी दिन ये डिसीजन लिया जाता है। कैंडिडेट फॉर्मल ड्रेस में हो, कैंडिडेट अपने प्रोफाइल के साथ में 4 से 5 कॉपी के साथ में हो और गुड मूड के साथ में हो कि वो सिलेक्शन कराने के लिए या अपनी ज्वाइनिंग के पर्पज़ से आए हैं, बट इंटरव्यू प्रोसेस देना पड़ेगा, प्रोफाइल को भी दे उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तभी और केवल तभी उनकी ज्वाइनिंग के चांसेस बढ़ते हैं। जुगाड़ से, रेफरेंस से, बिना प्रोफाइल के नौकरियां लगाने की बात जो भी कंसल्टेंसीज करती हैं वो एक तरीके का आपको धोखा ही दे रही होती हैं। और धोखे में फंसने के बाद में आप इतने हताश होते हैं कि जब कोई सही जानकारी भी देता है तो भी आप उसको शक की निगाह से देखते हैं। इसको बोलते हैं, आपको जब सही होना होता है तो आपकी चीज़ें अपने आप से गलत काम कर रही हों। तो इंटेलेक्ट का यूज़ करिए, राइट जगह पर, राइट टाइम पर, राइट कंपनी में पहुँच करके बेस्ट जॉब के लिए आप जा सकते हैं। तरीका सिर्फ एक है, खुद की भागीदारी, खुद का पार्टिसिपेशन। और उसके लिए केवल देखने के लिए वीडियो मत देखिए, शेयर भी करिए। जितने लोग वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, ज्वाइनिंग ज़्यादा आती है, उतने घर परिवार सब लोग खुशहाल होते हैं। क्या हम एक ये कोशिश नहीं कर सकते हैं, जो अच्छे वीडियो हैं जिन्होंने थोड़ा टप करके किया उनको लाइक करना है, लोगों में शेयर करना है, रेफरेंसेस शेयर करने हैं, बट प्रोफाइल के बारे में बताना है कि उनको राइट गाइडेंस तो मिलेगा यहाँ से, बट जुगाड़ नहीं मिलेगा। और फ्री सेवा किसी की कुछ नहीं होगी। फ्री सेवा वाली जो संस्थाएं होती हैं या वो कर रही हैं वो अलग हैं, और हम लोगों ने जो एक पॉलिसीज बनाई हैं, जिस पॉलिसी के थ्रू ये एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में अगर आप एडजस्ट होते हैं तो हम आपके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप उस सिस्टम में एडजस्ट नहीं हैं, उसी कंसल्टेंसी के प्रोस्पेक्टिव से कि हमने आपके पास आ गए, अब आपकी सारी जिम्मेदारी है, आप ही हमें सब कराइए, ऐसे कैंडिडेट थोड़ा सा बचे रहते हैं। जो कैंडिडेट ये समझते हैं हम यूट्यूब में अपनी प्रोफाइल्स को देख रहे हैं, mysurejob.com के नोटिफिकेशन में की कंपनी को देखते हैं, खुद भी शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, हमसे पूछते भी हैं प्रोफाइल वहाँ क्या चाहिए, समझ करके प्लानिंग के साथ में, प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, पॉजिटिव होकर के जाते हैं। प्लानिंग, प्रिपरेशन, पॉजिटिविटी, ये तीनों चीज़ें जिनके साथ रहती हैं माय डियर कैंडिडेट, उनकी ज्वाइनिंग रुकती नहीं है। कल भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिनकी मैंने प्रोफाइल बताई है, उनकी कल ही ज्वाइनिंग पॉसिबल है अगर वो अपनी ओर से पूरे पॉजिटिव मोड के साथ आएंगे। फीमेल्स हों,
वो भी जब फॉर्मल मूड से जब वहाँ से चल देंगे कि नहीं आज हमें जॉब हंट ड्राइव में जाना है, आज हमें कंपनी में भागीदारी करनी है, ज़रूरत पड़ गया तो वहीं कंपनी में जाकर सेकंड इंटरव्यू दे करके आएंगे, ज्वाइनिंग लेके आएंगे, इस तरह से जब आप पॉजिटिव मूड में जाते हैं तो उसका फ़र्क माय डियर कैंडिडेट दिखाई देता है, इंटरव्यूज़ में भी उसका दिखता है। जब आप खुद डुलमुल होते हैं, खुद फ़ोन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वहाँ से फ़ोन आएगा तो करेंगे, अरे पहली बार नहीं मिली थी, पता नहीं दूसरी बार मिले कि नहीं मिले, ये सारे जो ढंग हैं वो आपको खुद कंफ्यूज कर रहे होते हैं, डाउट में ला रहे होते हैं और आपको सही जगह ले नहीं जाने पाते। अपने दुश्मन खुद मत बनिए, आपके अपने विचार, सही विचार, सही अप्रोच आपको एक अच्छे जॉब की ओर ला सकती है। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब ऑन ड्राइव, माई सिक्योर जॉब .com। थैंक यू।